हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो जी, आज है दीपावली, तो हमारे यहाँ पर कढ़ाई बनाई जाती है पूरे गांव की परिक्रमा करने के लिए। अरविंद भैया और प्रीति आर उसको लेकर चले गए हैं, बाकी बच्चे हम लोगों के साथ में जाएंगे। और माँ यहाँ पर बना रही है हर बार की तरह कढ़ाई। तो माँ ने देखिए ये पानी चढ़ा दिया है पतीले में, अब इसमें चीनी डाल देते हैं और माँ जब तक तैयारी करेगी और मैं भी तैयार हो जाऊँगी। बाकी खाना सब कुछ बना दिया है मैंने, सुबह से जो है प्रॉपर तैयारियों में लगे होते हैं। डेली के तो काम होते ही हैं, लेकिन जो त्योहारों में हो जाता है ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा बर्डन काम का, तो वो भी साथ के साथ हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर माँ ने ये चीनी ले ली है। माँ का मेजरमेंट अंदाजा रहता है 1 किलो या 2 किलो का कुछ नहीं, क्योंकि ये मिश्री जैसी मोटी चीनी है, देखो एकदम से। और हलवा इसी से बनेगा। बाकी का सामान मैंने कल ही मंगवा लिया था, माँ ने डाल दिया। जब तक ये पकेगा तब तक मैं भी रेडी हो जाऊँगी। और गोला तो कस के डाल लेंगे, कस लेंगे इतना। तो गाइस, मैं पहनने वाली हूँ ये वाला कुर्ता और इसके मैचिंग की चूड़ियाँ भी है मेरे पास में, तो मैंने सोचा ये वाले पहन लेते हैं। दिन भर में जो है पूजा पाठ चलती रहेगा तो ये कंफर्टेबल रहेगा काफ़ी। और साड़ी पहनूंगी मैं शाम के टाइम, तो जब होगी दीपावली की पूजा। तो चलो जी, अभी जो है रेडी हो जाते हैं। साड़ी पहनने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता और इधर सासू माँ ने भी तैयारी कर दी थी। और यहाँ पर माँ ने घी डाल दिया है कढ़ाई में, और कढ़ाई हर बार सोचते हैं कि बड़ी लेकर आएंगे, लेकिन फिर भी उसी में बनाना होता है और भूल जाते हैं हम इस चीज़ को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत सारी चीज़ें टाइम पर याद आती है। तो घी थोड़ा सा गर्म हुआ था तो माँ ने इसमें सूजी डाल दी है। और माँ के हाथ का प्रसाद ना वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है जब भी ये बना है हलवे का प्रसाद। और जिन जिन लोगों ने खाया है हमारे सब्सक्राइबर ने, उन्हें पता है जो हलवा नहीं खाते हैं तो उनका भी मन करता है कि माँ के हाथ का प्रसाद हमें ज़रूर मिले। तो इसे सूजी को धीमी धीमी आंच पे माँ बना रही है। और ये जो चुग्गे रखे हुए हैं दिए यानी कि मिट्टी के, ये सुबह से यहाँ पर पानी में डालकर रख दिए थे, फिर इनको निकाल कर रख दिया था क्योंकि पूजा पाठ होगी तो हर जगह नया दिया ही जलाया जाता है। अभी सूजी हमारी भुन चुकी है, लेकिन कैमरे में जो है थोड़ी सफ़ेद सी नज़र आ रही, लेकिन खुशबू काफ़ी अच्छी थी और देखने में भी सही लग रही थी। तो मैंने इसमें फिर जो है मीठा पानी डाल दिया था। छींटे बहुत ज़्यादा आ रही थी तो माँ को यहाँ से बोल दिया था कि आप थोड़ा पीछे को हो जाओ थोड़ी देर के लिए। तो अभी इसमें मीठा पानी डाल देंगे। और इसी में माँ ने जो है मुनक्खा डाल दी थी, तो यहाँ पर माँ इसे लगातार चलाती जा रही है। तो जी, ये पूरा डाल दिया और इसमें जो मुनक्का थी वो भी सारी की सारी इसमें डल गई। गोला कद्दूकस कर लिया था माँ ने और छुहारे वगैरह सब कुछ जो है इसमें डाल दिए हैं। तो ये देखिए हलवा हमारा यानी कि प्रसाद का भोग बनके तैयार हो चुका है। तो माँ जी ने हलवा बनाकर तैयार कर दिया है, अभी उसे बड़े से भिगोने में कर रही है थोड़ा सा ठंडा करके। और गुड्डू के पापा गए हैं गाड़ी निकालने के लिए, तो सारे बच्चे जो है आराम से चले जाएंगे। आरुष तो प्रीति और अरविंद के साथ में है ही। तो हलवा देखो, प्रसाद वाला हलवा काफ़ी टेस्टी बनता है। और रास्ते में से दोने ले लेंगे और एक और रख लिए उसमें चमचा है ना देने के लिए। खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। देखो, प्रसाद के नाम पे जो भी भोजन बनता है वो टेस्टी तो होता ही है। वैसे आज जो है सब फुल कर दिए, कल जो है सुबह जल्दी हमने कुछ नहीं बनाया था तो सबको भूख लगी हुई थी। तो आज मैंने खाने में दाल चावल बनाए थे, बच्चे ले रहे और खा रहे इनकी पसंद का खाना। और गुड्डू ने पहना है पिंक कलर का ड्रेस, ये देखो कितनी अच्छी लग रही है इसकी ड्रेस। और मैंने ये वाली पहनी और चिंकी ने वो पहनी जो वो नई लेके आई थी। घर तो सुंदर लग रहा डेकोरेशन के बाद में, ये देखो और कितने अच्छे से इसने इसको सजाया है। और इधर हमारी ये रैक क्यों खुली हुई है, चलो भाई। और खाने से लेके साफ सफाई तक के सारे काम निपटा दिए, आगे में भी बस अब जो है सारे के सारे एक साथ ही चले जाएंगे। मैं सोच रही थी वहीं मिल जाएंगे रास्ते में, लेकिन पूजा पाठ करने के बाद में ये सारे के सारे आगे। देखो, और उसको तो भूख लग रही होगी मुझे पता, इनका यही हाल हो जाए जब सारे को पूजा कर का, क्योंकि टाइम भी तो 11 बज रहे। हर बार पैदल जाते थे, अब की बार माँ जाएगी गाड़ी में क्योंकि इनके पैरों में भी दिक्कत है। और फिर बच्चों को ना चलना बड़ा मुश्किल हो जा, धूप भी बहुत तेज़ हो रही। और यहाँ से दीवे उठा लिए क्योंकि दीये जो है धो के जो है पानी में भिगो कर रख दिए थे ना रात के टाइम में ही, अच्छे से जो है पानी भर गया इनमें। माँ सोन करेगी मल्लो जाने में ही और सिर पर रखेगी, ये देखो। चलो भाई चलते हैं। केली की सीट है या इस अपने पापा को भी नहीं बैठन दे रही है तो माँ ही रख लेंगे ना, बैठो चलो। अपने पापा को भी नहीं बिठा रही है तो केली बैठो। माने मिनी खंटूस।
पहुंच गए माड़ी पे। चलो भाई उतर जाओ धीरे धीरे करके, सारे प्यास लग रही होगी, पानी पी लियो लड़का है। आ जाओ फिर मोड़ लियो, पहले पूछवा लो। पर खड़ी करोगे? अच्छा निकल जाऊंगी ना। हाँ चलो भाई हम भी चलते हैं। कुछ ये बच्चे इतने शोर मचाते हैं, दोने लाए साइकिल पे जाके देखते हैं। थोड़ी देर पहले तो स्कॉर्पियो में जा रहा था साइकिल। तो चलो अब पूजा करेंगे क्योंकि इनमें सबको हलवा देवेंगे ना। और जो भी हम लोग हलवे का प्रसाद बना के लेकर आते हैं, तो अभी कपड़ा भी लाए थे, मैंने बताया ही था ये ज़रूरी होता है, वो इसमें दक्षिणा अरविंद भैया रख देंगे अभी। तो सब ने दोनों में अपने अपने हाथ में ले लिया है हलवे का प्रसाद। अब सब जगह चढ़ाएंगे और दिया भी लगाएंगे और खील पतासे का भोग भी चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जो है सारी चीज़ें हम लोगों ने चढ़ा दी है और आरुष का भी हाथ लगवा दिया था। आरुष को ना एक बार बत्ती लग गई थी जलती हुई, तो इसलिए उसे डर लगता है। तो पूरे परिवार ने जो है ये कढ़ाई की पूजा बढ़िया तरीके से कर ली है और भगवान जो है ऐसे ही सबको सुख समृद्धि दे और अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखे। हमारे जितने भी YouTube फैमिली है जो देख रही है, तो सबको जो है इस चीज़ का आशीर्वाद मिले, क्योंकि आप सब हमसे जुड़े हुए हैं। जो भी हम पूजा पाठ करते हैं उसका श्रेय आपको भी जाता है। तो यहाँ पर दोनों देवरानी जेठानी ने जो है दिया लगा दिया है और अभी भोग भी लगा देते हैं। फिर जो है पूरे जो गांव की परिक्रमा है वो प्रीति ने अरविंद भैया ने करी ली है। और ये वैसे भी घर ही पहुँच, जहाँ अंदर चली गई थी प्रीति, जहाँ पर नीले घोड़े वाले बाबा की जो है माड़ी है, तो वहाँ पर। तो अभी सब जगह प्रसाद चढ़ चुका है। तो चिंकी देख रही थी, सारे बच्चों ने भी माथा टेक लिया, जोड़ लिया है। और यहाँ से अभी हम लोग प्रसाद बांटना शुरू करेंगे और जितने भी यहाँ पर भक्तजन हैं सबको प्रसाद देंगे, जो हम लोग हलवा बनाकर लेकर आए हैं। दोने भूल गए थे लेकिन अरविंद भैया ले आए उन्हें भी। तो अभी सब भगवानों का जो है आशीर्वाद ले लेते हैं। तो चलो भाई अभी प्रसाद यहाँ पर सबको वितरित कर दिया है, अब घर चलने की बारी। लेकिन गुड्डू के पापा के कई सारे पुराने दोस्त मिल गए थे, तो ये अभी बात कर रहे थे और हम लोग इनका इंतज़ार कर रहे थे। तो अब चल दिए हैं घर वापसी। तो प्रीति ने साड़ी पहनी ना, तो काफ़ी सुंदर लग रही है। तो हम लोगों ने यहाँ पे पूजा पाठ कर ली है माड़ी पे, और हर बार हम लोग आते हैं हलवा लेके प्रसाद बना के घर से ही, और यहाँ पर जितना बढ़ता है बांट देते हैं। अभी इसे गाड़ी में बैठ के हलवा खाना, जब वहाँ पे प्रसाद बट रहा था जब तो इसने खाया नहीं। हम भी तो व्रत अपना घर जाके खोल लेंगे प्रसाद से, अभी तो हम भी व्रत ही है। और उसके बाद में हमें जाना है अपने कुल देवताओं पे बुढ़ाना, बुढ़ाना में भी है बहुत सारे, तो वहाँ पे हर बार मैं और गुड्डू के पापा जाते हैं। अब चलेंगे बस थोड़ी देर बाद। बढ़िया ड्राइविंग करी एकदम, तो देखो पूरा एक्सपीरियंस हो गया अब तो। हाँ खा, आप कुछ खा पी लियो, ठीक है आ जाओ। तो इसे खड़ी करके, परली बंद हो रही है पीछे की। तो अभी हम लोग घर पहुँच चुके हैं, चलो भाई अपने बड़ों का लेते हैं आशीर्वाद। और इस तरीके से ही होती है हर बार छठे महीने हम सब की पूजा। तो अभी पिताजी का भी आशीर्वाद ले लेते हैं। चाचा जी तो गए हैं घेर में और पिताजी थे घर पर ही, अब सासू माँ का आशीर्वाद ले लेते हैं। तो गाइज अभी यहाँ पे सब प्रसाद खा रहे और अभी करेंगे हम रंगोली बनाने की तैयारी। और चाचा जी लाने के लिए गए गेंदे के फूल गांव में, यहाँ तो गेंदे के फूल मिल रहे। आज तो एक काम आसान हो गया, गेंदे के फूल अंदर मिले, मैं कल ले आओ अभी, नहीं फिर खत्म हो जाओगे। नहीं बहुत है तो। थोड़ी देर के लिए इन पटाखों पे जो है धूप लगा देते हैं। मम्मी पॉप पॉप तो सही फूट रहे, पॉप पॉप को तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉप पॉप में पॉप पॉप तो आराम से पटक जा। अजी हाँ फिर तो ठीक है। अच्छा और पूरे हैप्पी हो रहे हैं, पॉप पॉप के पूरा डिब्बा था तो पूरे फोड़ देंगे, इनका तो कोई काम नहीं दिवाली में। अच्छा ये देखो बस इतनी ही, एक ही लेयर बच रही है बेटा इसकी, एक ही लाइन बच रही है।
और ये लगा दिए गुड्डू ने धूप में सारे पटाखे शाम के लिए। उसमें कट्टे में और भी आए, कट्टे में रखे रहे, कट्टे में रखे रहे, ठीक है। मार्केट के भी काम है, आलस करने से कुछ नहीं होता। चलो चलेंगे, आलस भी उतर जाएगा। 10 मिनट अच्छा, वो तो चाय पीगा होगा। नहीं चाय नहीं पीता, नहीं रिफ्रेश फिर चलेंगे। तो जैसे कि आज आपके पुराने, बहुत ही पुराने मित्र मिले, कैसा लगा? होली और दिवाली पे मिले हैं बहुत सारे मित्र, तो केवल दो त्योहार बचे अभी भी, और उस पर तो कोई कोई तो मिलता भी नहीं। बहुत सारे लोग नहीं आते गाँव में पूजा पाठ करने, लेकिन जो आते हैं वो मिल जाते हैं। अच्छा, और जब मिलते हैं भाई पुरानी यादें ताजा हो जाती। स्टूडेंट लाइफ बढ़िया लग गया। गांव में वो लोग कम ही आते हैं मिलना, बस त्योहारों के सीजन पे होता है। आजकल की तो इतनी भागदौड़ वाली लाइफ होगी, अब तो टाइम लगता ही नहीं। पहले तो बीच में भी चक्कर लगा देते थे कभी कभी, जब बाहर रहता है ना कोई, बच्चों की पढ़ाई शुरू हो जाती है तो उसमें भी बन जाता है आदमी, फिर नहीं आना होता, फिर तो शहर के हो जाते हैं लोग सब। ढक्कन खोल दे, बढ़िया सूख जाएंगे। मैं सोच रही सब जब से यही बैठी है, वे कहाँ है बाकी और बच्चे? हाँ तो रखो रख। मैं क्या कह रही, वे कहाँ है और? टीवी देख रहे। टीवी देख रहे, घेर में तो नहीं गए? आगे गए। मैं कभी कुछ उथल पुथल ही कर दे। तो भाई दिवाली जो है मन रही है पूरे हर्षोल्लास से, लेकिन कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ कल मनाएंगे, इससे जो है फर्क पड़ता है, भीड़ नहीं होती दो दिन की दिवाली। तो चलो भाई अभी कुछ ही देर में हम लोग जो है जाएंगे बुढ़ाना अपने कुल देवताओं पर पूजा करने के लिए, और कुछ मिठाइयाँ भी लेकर आएंगे, मोमबत्ती लेकर आएंगे, और एक दो जगह मुझे गिफ्ट देने हैं तो वो देकर आएंगे, भिजवाएंगे। पान का पत्ता, लौंग, सुपारी, ये सारी चीजें जो है पूजा में चाहूंगी शाम के टाइम। गेंदे तो यहीं से लिया यार, गुलाब के फूल, गुलाब के फूल ले आऊंगे, ठीक है। रंगोली के कलर थोड़ा जल्दी आइए, लिखवा दिया रंगोली बनाने। और जो हम लड़िया लेके आए थे उसमें से दो लड़ी खराब है, वैसे गुड्डू इनकी भी मतलब इतनी अच्छी होनी है। नहीं सही लगे, सही है। हाँ। गुड्डू को सही लगे। ज्यादा में पता क्या हुआ है, आंखों का प्रेशर पड़ा है, जोर पड़ा। अच्छा तो इसने सारे खोल के देख लिए, क्या है ये ताजमहल में? अच्छा ये ही है वो, और उसने पहचान लिया था। अच्छा वो पूरी लाइन, अच्छा जब भी कह रहा था। तो इसे धूप लगा, इसका ढक्कन खोल के लगा दे इनू। हाँ और ऊपर से पानी ना चला दे कोई, इसे कभी ये खराब ही हो जाए, ठीक है। तो बच्चे नीचे ही हैं अभी और खेल रहे हैं। अब बैठे, अब बैठे। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग को कर देते हैं यहीं पर समाप्त, तो आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए लाइक करें, चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।